चुनावी वर्ष है, प्रदेश के तमाम विधायक विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर अपनी और सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ऐसे में जहां विकास कार्य नहीं हुए हैं वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक विकास यात्रा के दौरान खंडवा के भाजपा विधायक देवेंद्र वर्मा को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। खंडवा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहनी में विकास यात्रा लेकर पहुंचे भाजपा विधायक देवेंद्र वर्मा का ग्रामीणों ने विरोध किया। पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर विधायक को खरी खोटी सुनाई, फिर विकास यात्रा के रथ के आगे बैठकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिन्हें विधायक मनाते हुए नजर आए। 3 महीना की लाइट नहीं मारा गाड़ी, पहली बात ये सोचो। हाँ। मोहल्लो देखो पहले नहीं कोई कही मोहल्ला में लेटरिंग मिली नहीं, मैं नहीं खोली ना आई नहीं, नल में पानी भी नहीं आवत मारा घर ना आवत गंदो आई रो ये गली की इतनी परेशानी। चल हम तो दो डोकरा डोकरी से पैसा भी निकल जावा पर बच्चा का साथ निकल स्कूल वहाँ। नाम चाहो आपको? सुमन भाई। सुमन भाई हाँ। तो कैसे विकास कराया अभी? खुद की गाड़ी फंसी गई ना। हम ये टीस रावण के तुम्हारी फोटो ले रहा है। अब 4 महीना के आई गई लाइन फिर हमका कहीं मिलो भी नहीं, गल्लो भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे घर पर नाल में पानी भी नहीं आता। इसलिए मतलब हंगामा किया, मतलब विधायक जी 11:30 बजे आ गए थे, एक गली से निकले और सीधे मतलब स्कूल जाने के लिए, मतलब स्कूल में जा रहे थे। हमने बोला कि जो मेन समस्या है हमारी वो देखो, वो देख नहीं रहे थे, मतलब मानने को नहीं तैयार थे, इसलिए ये विरोध किया गया। क्या मंदिर से मतलब हनुमान मंदिर से माता मंदिर तक का रास्ता, आज वहाँ गाँव के लोग रहते हैं पड़ोस में, इतनी गंदगी है वहाँ, मतलब लोग 1-2 किलोमीटर घूम के आते हैं, जबकि वो रास्ता मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में होगा, 1 किलोमीटर के दायरे में होगा, वो रास्ता नहीं बना रहे, यही समस्या। क्या बोल रहे हो रास्ता बनाने के लिए? बिल्कुल देखने को मंजूर नहीं थे ना, बड़ी मुश्किल से मतलब गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश राव। फिर क्या बोले विधायक जी? फिर बोले कि करवाऊंगा, अगर होगा करवा दूंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, काम करवाऊंगा तो गांव में आऊंगा, नहीं आऊंगा, ऐसा स्पष्ट बोलती है। जैसे तैसे विरोध के बीच विकास यात्रा का रथ आगे बढ़ा तो वह खराब सड़क और कीचड़ की वजह से फंस गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया।